अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं अभी जाने वाली हूँ मेरे बड़े भाई के घर, बच्चों के भी रोज़े की इफ्तारी वहीं खोलने बोले हैं, और उसी के साथ ही साथ आज मेरे छोटे भतीजे का अयान का बर्थडे है, तो मैं, मेरी बेटी और मेरी बड़ी भतीजी साथ में हम जाने वाले हैं, तो ज़रूर हम मिलते हैं आगे। तो मेरी बड़ी भतीजी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। इसके भाई का बर्थडे है, मेरी तैयबा। तो हम लोग चलते हैं, तो दुआ में याद जरूर रखिए। चलिए हम निकलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी के रोजे अच्छे से जा रहे होंगे। तो अभी हम लोग निकलते हैं, भाई के घर पहुँचते हैं। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react. ऑटो नहीं है, देखिए। तो फिलहाल एक ऑटो आते हुए दिख रही है, देखते हैं इसमें बैठेंगे। फाइनली ऑटो मिल गई, चलो हम बैठते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो बैठ गए, ऑटो मिल गई। एक्चुअली दोपहर के टाइम ज्यादा ऑटो नहीं होती है, तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि बच्चों ने सहरी तो कर लिए सुबह, तो भाई ने बोल दिया सुबह फ़ोन करके कि इफ्तारी यहीं कर लेना, क्योंकि जो छोटा भतीजा है मेरा अयान, उसका बर्थडे है आज। तो हमने सोचे चलो आज बर्थडे भी हो जाएगा, और वैसे भी आप सभी को जुम्मा मुबारक एवरीवन। हमारी फैमिली की तरफ से, मेरे तरफ से आज अलविदा जुम्मा है, आप सभी को तो दुआ में याद रखिए ज़रूर, और इबादत करते हुए जाइए। इंशाल्लाह अगले साल इसी तरह हम माह रमज़ान के लिए दुआ करेंगे और इबादत भी करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान आ गए, कब से पता नहीं चला, चले भी जा रहा है। अभी सिर्फ दो ही दिन बचे हैं, चांद रात है और ईद है, फिर पास ही ईद है। लेकिन जो खुशी ईद के वक्त मिलती है शिरकों में की, वो कोई दिन नहीं मिलती है। और ईद वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एक मेरी मम्मी का रिवाज है, एक कोई किचन में हाथ नहीं लगाएगा, मैं बनाऊंगी, तुम लोग तैयार हो जाओ और घूम के आओ आराम से, है ना। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हर साल मम्मी और मेरे अप्पा है ना, वो खुद ही खाना बनाते हैं, हर साल कुछ नहीं बोलते, बोलते तुम लोग बनाओ, तुम लोग जाओ अपना घूम के आओ, हम लोग कर लेंगे जो भी है, तुम लोग घूम के आओ। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ईद के वक्त क्या होता है, हम तैयार होते हैं और मेकअप करके फिर वो खाना पकाने जाना, और फिर वही पूरा पसीना बहाना। तो वही सोच के अम्मी बोलते तुम लोग कुछ मत करना, मेरा काम है अप्पा बनाते हैं खाना, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता मेरा अप्पा शेफ है, बहुत अच्छे खाना भी बना लेते हैं, और अम्मी शिरकुरमा माशाल्लाह मेरी अम्मी बहुत अच्छा बना लेती है। तो उस वक्त हम इंशाल्लाह भाई के घर ही जाने वाले हैं मिलने के लिए, और कुछ प्लान बनाएंगे। अगर हाजी अली का प्लान बनेगा तो डेफिनेटली जाकर आएंगे, या फिर कुछ प्लान ऐसा रहेगा तो भाई पिरवाड़ी मूवी देखने का कोई शेड्यूल नहीं है हमारा, क्योंकि हम लोग जाते नहीं है मूवी देखने के लिए, क्योंकि अकेले बच्चे लोग को लेके जाना इतना और क्या मतलब का नहीं है। फिर इसलिए हम लोग सोचते चलो फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे, अपना वक्त वहीं बिताएंगे सब लोग। तो अभी भाई के घर मैं पहुँचने आ रही हूँ, आपसे भाई से मिलाती हूँ, भाभी रहेंगे तो मिलाती हूँ, ज़रूर दुआ में याद रखिए मुझे। फाइनली पहुंच गई, कितना हुआ थैंक यू सो छोड़ दिया हमें टाइम पर, अभी भाभी के घर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मेरी बड़ी भतीजी बहुत एक्साइटमेंट है, देखो भाग रही, चल। तो भाभी के बंगले में पहुंच गए हम।
अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली भाभी के घर पहुंच गई हूं मैं। अभी इंशाल्लाह प्रिपरेशन करेंगे, सब आराम कर रहे। बड़ा भाई भी सो रहा है और दोनों बच्चे भी मेरे सो रहे। तो चलो आपसे बाद में मिलती हूँ इंशाल्लाह, जब प्रिपरेशन करेंगे तब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो हमारे व्यूवर्स को। वालेकुम सलाम। आज मेरे भतीजे का बर्थडे है। कितने साल का हो गया यार? सात साल का। देखो यानी अभी भी छोटा रहना है उसे। 11 साल का हो गया। आप लोग सभी दुआ करें और जुम्मा मुबारक आप सभी को। भाभी दूर से आवाज देके बोलेंगे जुम्मा मुबारक। देखिए जुम्मा मुबारक हो आपको भी भाभी, सभी व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को जुम्मा मुबारक भाभी ने किया है। अल्लाह ताला आपकी बोलते ना सारी मुराद पूरी जरूर करे। और अलविदा जुम्मा है आज, तो दो दिन ही रह गए हमारे। तो मेरे भतीजे के लिए तो मैं गिफ्ट नहीं लाई लेकिन पैसे दे दूंगी, जा दे है ना। जरूरी नहीं है, सच्ची। अरे अरे चुप चल। मैं तो फाइनली मेरे डैडी आ गए हैं। तो ये देखिए, अरे वाह डैडी में दादा को थैंक यू। तो बोल फैमिली पैक है। जुम्मा मुबारक। हाँ आपको भी, सभी को, हमारे सब्सक्राइबर को अब्बा की तरफ से भी जुम्मा मुबारक। तो अयान की हो गई पहले बर्थडे की गिफ्ट, देखिए कितनी बड़ी। अकेले खाला फैमिली पैक है। तो अभी दादी है उसके, सब है। चलो अभी तो तैयारी करेंगे, भाभी बना रहे कुछ, इफ्तारी का वक्त पहला करेंगे। तो अभी बज रहे हैं करीब 5:30। तब तक का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। समोसे की जो पट्टी है वो थी भाभी के पास भी, तो भाभी ने सोचा चलो कुछ बना लेंगे, समोसा बना लेंगे बच्चों के लिए। तो भाभी ने मुझे दे दिया है ये बनाने के, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ये सम ये उन्होंने आलू की भी बना के रखे टेक्चर को। तो अभी ये मैं बना रही हूँ बच्चों के साथ मिलकर। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि भाभी भी अपना वक्त इतना निकाल कर वो बना रहे सब है, भजिया। तो मैंने सोचा चलो। तो आज हम भाभी के घर आए हैं, तो आपको पता है भाई ने तो बोल दिया यहीं रोज़ा खोलने के लिए। तो मैं समोसे की पट्टी के लिए हेल्प कर रही हूँ। तो भाभी ने सब प्रिपरेशन पहले तैयार करके रख दिए थे आलू का। मैंने बोला आज आलू का खा लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि चिकन का खा खा के एकदम बोर हो गए हम लोग। तो ये देखिए अभी इस तरह से पहले मैं घर की पट्टी बना लेती हूँ, इस तरह से पहले करने का, फिर इस तरह से फोल्ड कर लेने का और यहाँ पे इस तरह से इसमें अटैच कर लेने का। बिस्मिल्लाह करके भाभी ने सब आलू का पहले बना के रख लिए थे। मैं बोली चलो आलू का हो जाएगा। और इस तरह से करने के बाद ये हम थोड़ा सा आटे का इसमें लगा करने के बाद हम एक एक करके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पे बचा हुआ सारा फोल्ड यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल रहता है करना। और माशाल्लाह भाभी की भी शॉपिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाभी को भी मेरे भाई ने नायरा वाला ड्रेस लाया माशाल्लाह। इंशाल्लाह वो पहनेंगे ना तो आपको ज़रूर दोनों को मैं दिखाऊंगी अच्छी तरह से भाभी तैयार होंगे। तो इस तरह से ये हो गया फोल्ड हमारा। तो ये हो गई हमारी समोसे की फर्स्ट पट्टी। तो ऐसे करके हम बना लेते सब। बोला नहीं
खजूर ले लो हाथ में एक 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 एक। अच्छे से बच्चों लोग ने खोल लिए, भाई ने सारा प्रिपरेशन कर लिया था तैयारी के साथ। ये भतीजे का केक आ गया है अयान का, हमारे बच्चों ने नमाज भी अदा कर ली है तो अभी केक काटेंगे। माशाल्लाह केक भी देखिए, और दुआ जरूर दीजिए आप लोग सभी। और इसी के साथ ही साथ आप सभी को चांद मुबारक हमारी शेख खानदान के परिवार की तरफ से, मेरे अम्मी अब्बा की तरफ से, सभी की तरफ से चांद मुबारक हो। दुआ करिए इंशाल्लाह अगले साल भी हम रोज़े रखेंगे और इंशाल्लाह पूरी तिलावत भी ज़रूर करेंगे। अभी ज़रा प्रिपरेशन करेंगे बच्चे की बर्थडे की। बताना चाहूँगी अनिसा कुकिंग किचन जो चैनल है उनके ही बेटे का नाम है अयान, आज उन्हीं का बर्थडे है बच्चे का। तो ये रहा भतीजा मेरा। भतीजा कितने साल का हो गया? अभी तक 7 साल का ही है तू। चलो खोलो इसको सही से। तो ये है छेना वाला यानी कोलकाता वाला दिख रहा है ये तो केक। दादी को खिला। हैप्पी बर्थडे डियर अयान, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने सब अरेंज कर लिया था आज। चलो तो ये है अयान के मामू और ये चाचा। आपको बताना चाहती थी मेरे भाई रहे इधर चिल्ला भी है, ये वजह से मेरा घर दिखाई। चिल्ला क्यों नहीं हो रहा था जल्दी बता जरा लोगों को। क्या हुआ पहले मैं घटाया फिर गिलाया फिर घटाया गुनीले किया बजा पर किया वही सवाल आ रहा। तो मेरे भाई का कहना है कि पहले उसने खोदाई करा फिर उसे मट्टी डाला फिर वह रूम सही से करेगा उसके बाद पूरा काम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे भी अच्छे से अरेंज हो गया है और आप लोग सभी मेरे भतीजे को भर भर के दुआ दीजिए। हमारी फैमिली है सभी, ये मामू है अयान के और ये चाचा है मेरा छोटा भाई, ये अम्मी है, ने सोच लिया। तो बस आप लोग दुआ कीजिए और आप सभी को हमारी तरफ से विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी रमादान और चांद रात मुबारक। तो दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज एवरीवन, ख्याल रखिए अपना। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बताना चाहूंगी ये मेरे बड़े अब्बू है और बड़े अब्बू ने आज खासकर गिफ्ट लाए हैं भतीजे के लिए। तो ये मेरे बड़े अब्बू है, हमारी बहुत माशाल्लाह खानदान बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह आपको जरूर मैं मिलाऊंगी जब मेरी तैयबा का हदिया, तब इंशाल्लाह सबको मिलाऊंगी मैं आपको। बड़े आपको हदिया करना है तैयबा का? हदिया करूंगी।